साहब मैं के बारे में एक छोटा सा बात और बता दूं, घर में जहां तुम अगले शुक्रवार को हो वहां घर के किसी एकांत कक्ष में, एकांत कमरे में, जिस कमरे में और कोई नहीं हो, तुम्हें आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुंह करके और सामने स्वर्ण देव अप्सरा का चित्र और यंत्र रख करके तुम्हें साधना करनी है, मगर अपने पूर्ण वस्त्र धारण करके, सुंदर सुसज्जित वस्त्र धारण करके, उसके लिए पीली धोती पहनना और पीला धोती ओढ़ना जरूरी नहीं है। आपको जो अच्छे वस्त्र रख सकें, तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए जो वस्त्र खिल सकें, चाहे आप सूट पहन सकें, चाहे पाजामा पहन सकें, चाहे चूड़ीदार पाजामा, जो कुछ भी आपके वस्त्र पहन सकें, अप्सरा साधना में इस प्रकार की पीली धोती पहनकर की बैठना अनिवार्य नहीं है। जिस वस्त्रों से आपकी पर्सनैलिटी खिल सके वो वस्त्र पहन करके आप साधना में बैठे और ये साधना करें रात्रि को 9 से 2 बजे के बीच। 9 बजे बैठे और 2 बजे तक इस प्रयोग को संपन्न करें और साधना प्रारंभ करने से पूर्व सुंदर वस्त्र धारण करें और आपके पास में और कोई नहीं हो और पास में 2 गुलाब की मालाएं या सुंदर पुष्पों की मालाएं हो और फिर जो मैंने मंत्र दिया है गुरु का ध्यान करके, गुरु की पूजा करके और इसी मंत्र को प्रारंभ करना है इसी माला से जो माला मैंने आपको दी है और माला की संख्या या तो 51 होनी चाहिए और या 51 से 2-4 मालाएं ज्यादा होनी चाहिए, मगर इस बात का ध्यान रहे कि 2 बजे तक तो करना ही है। अगर 51 मालाएं आपकी 1 बजे भी हो जाए तब भी आपको 2 बजे तक मंत्र जाप करना है और यदि इस बीच में तुम्हारे घुटने से घुटना सटा करके कोई बैठा हुआ एहसास हो तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, बीच में मंत्र जाप छोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 बजे तक पूरा मंत्र जाप करना है और उसके बाद में और अधिकतर साधनाओं में निश्चय ही स्वर्ण देहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कल भी प्रवचन में बताया था कि अप्सराएं स्वयं मृत्युलोक में बार बार आना चाहती हैं, मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहती हैं, देवता भी बार बार आना चाहते हैं और मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहते हैं। आवश्यकता है उनको प्राप्त करने की क्रिया, आवश्यकता है आपकी इच्छा भावनाएं और फिर यदि वह पुष्पमाला उठा करके आपके गले में डालती है तो आपको भी पुष्पमाला दूसरी उठा करके गले में पहनानी है और उसके बाद में जब भी आप एक माला मंत्र जाप करेंगे उसमें माला की जरूरत नहीं है, और फिर भी जब आप उच्चारण करेंगे स्वर्ण देह अप्सरा का और आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो अत्यंत भद्र और सभ्य तरीके से आप पेश आए। स्वर्णे वताम्री रूपं त्वमेवं यौवन त्वमेवं धन्यं त्वमेवं धन्यास्ति रूपं वरं महितं वदेवं स्वर्णं वदेवं रूपं वदेवं आत्मा चिन्त्यं महितं वदेवं उपस्थितं वै सहितं सदेवं शिष्यत्व साधं तमेवं स्वर्णं च देहं रूपं वदेवं।